नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और आज मैं आया हूँ बदरपुर में। बदरपुर जैतपुर एक जगह है यहाँ पर दिल्ली में, वहाँ पर एक उत्तरायणी कौतिक हो रहा है। और मैं अपने देखने वालों से सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब मैं खजली मैं तो कली तू सेवा की कर जैसी नाना रखी रह जैसी और न जाऊ न पर बोडरा सट को सटल जानो मोटिया मोटिया डबल बोल के चलिए भागोगी ये बात के चलिए भागोगी वसिया बना पी ले धरू बना ये बोल के चलिए भागोगी वसिया बना पी ले धरू बना माया के मंदिर है तब गुर के चले भागुली ये गुर के चले भागुली और सिया बना बेटे बना ये गुर के चले भागुली और सिया बना बेटे बना मजानो बना तो पाला वो पाला तो ना दिले धारु और मेरी जो माताएं बहने Get home!
Thank you.
चटर्जी उत्तराखंड का एक जाना माना नाम और जो कि बहुत अच्छे गाने गाते हैं और मतलब वो हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कि कुमावनी गढ़वाली जौनसारी एकेडमी है उसके भी मेंबर हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हमेशा जिस भी प्रोग्राम में मैं मतलब होते हैं तो मुझे मिलते हैं और मुझसे हमेशा बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश भाई और सबसे पहले मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि जैसे ये इस साल का पहला प्रोग्राम है तो आप इस साल से क्या उम्मीदें करते हैं और ये प्रोग्राम जो हो रहे हैं ये होते रहने चाहिए इस चीज़ के लिए, इस पर आपके क्या विचार हैं? ब्रजेश भाई, सर्वप्रथम ब्रजेश भंडारी जी, आप सभी भाइयों का, समस्त मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और ये साल का पहला कार्यक्रम है देवस्थानम बोर्ड, देवस्थानम जो सामाजिक और सांस्कृतिक समिति है उसके समस्त जो पदाधिकारी हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करूँगा। बुला भगवत मंडल पर्वतीय कला संगम, उनकी टीम, हमारे पूरी टीम यहाँ पे है। तो सर्वप्रथम जो कोरोना काल, 2 साल का कोरोना काल गया, उसके बाद जो कार्यक्रमों में भी लोग जुट गए हैं, उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से अपने समाज को एकजुट होने का मौका मिलता है और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहाने अपने लोग एकजुट होते हैं। एक निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश कार्यक्रमों के माध्यम से जाता है और कलाकारों का रोजगार भी इससे जुड़ा हुआ है। मैं दिल्ली सरकार में गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी उसका मेंबर भी हूं, तो अभी बीच में सर्गोत्सव के कार्यक्रम विशाल एक बड़े स्तर पर, भव्य स्तर पर दिल्ली सरकार ने करवाए और उसके बाद अब ये जो उत्तरायणी मकरायणी के जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत आज के इस कार्यक्रम से हो चुकी है, 8 जनवरी आज, उसके बाद 14 जनवरी, 15 जनवरी और 22 जनवरी लगातार जो है उत्तरायणी जो महाकौतिक है उनके ये कार्यक्रम है। तो मैं एक बार अपने समस्त संगीत प्रेमियों का, भाई ब्रजेश भाई, आप सभी का दिल से धन्यवाद और आप संस्कृति को, हमारे जो गीतों को जनता तक पहुंचाने का एक बहुत अनूठा प्रयास करते हैं, काम करते हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और जो समस्त संगीत प्रेमी हैं जो हमारे गीतों को पसंद करते हैं, आप हैं तो हम हैं, आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो अब हमारे साथ है वो जिन्होंने गाया है लाल बोतल शराबा, उत्तराखंड पूरा का पूरा इस गाने के ऊपर झूम रहा है, नाच रहा है और मैं प्रकाश काला जी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा अपने इस प्रोग्राम में और धन्यवाद आप मुझसे बात करने के लिए। जैसे आपने ये गीत गाया है लाल बोतल शराबा, मोस्टली आपके सारे गाने के लिए ही हो रहे हैं, तो आपको मतलब क्या लगता है कि जैसे ये धीरे धीरे ये चीज़ हमारी उत्तराखंड के कल्चर को, उत्तराखंड की संस्कृति को कैसे आगे ले जाएंगे? देखो, लोकगीत, पुराने गीत और हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, तो आज जो गीत हम गा रहे हैं, जनता ने हमें प्यार दिया, सम्मान दिया, मिलेनियम में हमारे गीत जा रहे हैं, तो हमारे कलाकारों की रोजी रोटी भी है और संस्कृति भी बच रही है। हमारा तो आजीविका का साधन ही लोकगीत है और लोक प्रेमी है, लोक संस्कृति प्रेमी है भंडारी जी हम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये जरूर चाहूँगा कि आप प्लीज ये वाले गाने की अब 2 लाइनें अगर हमारे दर्शकों ने गा दें और मैं एक और वार्तालाप में बहुत जल्द दर्शकों में आपको प्रकाश चाला जी से मिलवाऊंगा और उनके जीवन के बारे में हम जानेंगे। प्रकाश जी प्लीज, मैं समझ रहा हूँ आपकी व्यवस्था भी है, फिर भी आप अगर थोड़ा सा 2 लाइनें गा दें तो जरूर। लाल बोतल शराबा तू छपड़ी खराबा, अब क्या करूं रे न समझी चूर है गयू है। विमला देवी, अरे नंदा देवी बोलो, उनका नाम है विमला देवी, मैंने कहा हाँ कत्ती मैं देवी है, तुम्हारा नाम भी पूछ रहा हूं मैं। क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की माता भगवती, माता नंदा राज राजेश्वरी, जिनकी डोली यात्रा 12 वर्षों में निकलती है और जिस डोली यात्रा में देशों विदेशों से यात्री आते हैं, भक्तजन आते हैं माँ भगवती के दर्शनों के लिए, और विशेष आकर्षण चौसिया खाडू अपने आप में इतिहास, एक अनहोनी सी घटना घटती है अचानक से और यात्रा निकलती है और कई किलोमीटर तक चलती है। तो आज उस माँ भगवती का आह्वान करते हुए, उस माँ भगवती की पवित्र डोली के साथ आप सभी के बीचों बीच अपने एक भक्तिमय गीत को लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार भाई मुकेश कठे जी और उनके साथ एक पूरी टीम, तो दिल्ली में एक जाना माना नाम पर्वतीय कला संगम यानी कि भगवत मंडराज, उनकी पूरी टीम आ रही है, तो मैं मंच पे आमंत्रित करने जा रहा हूं उत्तराखंड की बुलंद आवाज भाई मुकेश कठे जी को, तो तालियां जोरदार। मेरो परी मेरो हो नामा रंगीलो
दुर्घट मजी दुनागिरी थाना अरे कहाली छु घर मेरो पर मेरो नामा मैं छु गीत कर पहाड़ी हम उतरा कड़ी छो सची गीत कर पहाड़ी हम उतरा कड़ी छो ना कड़वाली ना कुमारी हम उतरा कड़ी छुरे हर एक रीति रिवाज हमर जिन्होंने इतना विशाल प्रोग्राम करवाया है और जो लोग इस समिति से जुड़ना चाहते हैं, समिति को अपनी तरफ से कोई दान या भेंट करना चाहते हैं तो स्टॉल लगा हुआ है, आप आ सकते हैं और समिति को और उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं ताकि इससे भी बड़ा प्रोग्राम समिति अगले वर्ष कराए। आगे बढ़ते हैं और अब मंच पे उत्तराखंड की बुलंद आवाज, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जापान, दुबई, कनाडा जैसे शहरों में जाकर और अपनी बुलंद आवाज से वहां के निवासियों को, जो पहाड़ के लोग फंसे हुए उनको नचाया है, झुमाया है, अपने पहाड़ की याद दिलाई है, तो मंच पे आ रहे हैं उत्तराखंड के बहुचर्चित युवा लोक गायक, सुपरस्टार गायक भाई प्रकाश कहला। तो तालियों के लिए भाई जोरदार। प्रकाश भाई अपने आप में एक बहुत महान शख्सियत है और इनकी आवाज, इनके गाने हमेशा लोगों को नाचने के लिए मजबूर कर देते हैं। और देखिए आप क्या पेश करते हैं भाई प्रकाश कहला। धन्यवाद उत्तराखंड के बहुचर्चित हास्य कलाकार मंच संचालक पन्नू गोसाई जी, देवस्थान सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था समस्त कार्यकारिणी के एक बार पुनः आभार प्रकट करनू, धन्यवाद करनू कि उन्होंने मंच में आज भाई भगवत मन्नाल पर्वती कला संगम द्वारा टीम द्वारा हम लोग यहाँ आई। तो आज हम उत्तराखंड में, हम प्रवासी हो गए यहाँ दिल्ली प्रदेश में आके, हम लोग अपने पहाड़ हैं और जैसे कि मैंने कहा कि मंच पे हमारे एक बहुत ही सीनियर म्यूजिशियन बैठे हैं, उनका परिचय मैं करा दूं आपसे। और माँ भगवती नंदा पूजा करे मेरे लगा बल्ला।
शुरुआत आप कितना।